ओके हाय एवरीवन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और टेक एंड ट्रेवल चैनल पर भी आपका स्वागत है। दोस्तों इस चैनल पे हम ट्रेवल से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं और स्पेशल मतलब देखा जाए तो रेलवे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और रेलवे मतलब ट्रेन से रिलेटेड ज़्यादा वीडियो में बनाता हूँ और जहाँ भी मैं घूमने जाता हूँ उससे रिलेटेड मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो अभी मैं मतलब ये वीडियो बना रहा हूँ, मतलब पहला एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि मैं मतलब जोधपुर जैसे घूमने का कितना खर्चा होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, जैसे मान के चलिए आप कोटा में अगर रहते हैं तो कोटा से मतलब अगर आप जोधपुर जाना चाहते हैं या जयपुर से अगर जोधपुर जाना चाहते हैं तो कैसे जाते हैं, मतलब और कितना खर्चा आएगा। तो जाने के लिए तो आप चाहें तो अपने गाड़ी से मतलब या बस से सहायता से भी आप जोधपुर जा सकते हैं और अगर आप ट्रेन वैसे देखा जाए तो ट्रेन सबसे अच्छा मतलब साधन रहेगा वहाँ जाने के लिए। तो ट्रेन के माध्यम से मतलब पहुँचना काफ़ी आसान है मतलब वहाँ पर। अगर आप डायरेक्ट कोटा से ट्रेन लेते हैं तो लगभग 8 से 10 घंटे लगेंगे आपको जोधपुर पहुँचने में, क्योंकि कोटा से जयपुर लगभग 240 किलोमीटर है और वहाँ से जोधपुर ट्रेन से 313 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो वही 500-600 किलोमीटर अगर लगा लें तो अगर 1 घंटे में 50 किलोमीटर की ट्रेवल करें तो वही 8-10 घंटे के आसपास मान के चलिए लगेंगे। तो एक ट्रेन जाती है कोटा से डायरेक्ट जोधपुर के लिए, उसका नाम है रणथंभौर एक्सप्रेस, उसको आप पकड़ के जा सकते हैं डायरेक्ट। और मैं कैसे गया था, मैं मतलब शाम को एक ट्रेन जाती है श्री गंगानगर के लिए तो 5-5:30 बजे शायद चलती है वहाँ से कोटा से, और वहाँ से मैं जयपुर गया था और जयपुर में मैं रुका था और फिर वहाँ से मैं सुबह में एक सिटी जाती है जोधपुर से के लिए, जयपुर से जोधपुर के लिए सुबह में 6 बजे के आसपास, तो उसको मैंने मतलब पकड़ा था जाने के लिए। तो ये मतलब मतलब था मेरा मतलब जाने के लिए वहाँ जोधपुर। तो जैसे जोधपुर में आप अगर पहुँचेंगे वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर, फिर वहाँ से मैं हम लोगों ने एक कैब बुक किया था, वहाँ से अपने होटल गए थे जहाँ हम लोग स्टे किए थे। तो होटल भी आप चाहें तो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं घूमने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से होटल में मतलब फ्रेश होने के बाद मेहरानगढ़ फोर्ट गए थे। मेहरानगढ़ फोर्ट काफ़ी अच्छी जगह है जोधपुर में, मतलब वहाँ मतलब आप रेलवे स्टेशन से ऊपर उतरेंगे तो वहाँ से जो कोई जगह अगर आपको दिखेगी तो मेहरानगढ़ फोर्ट का जो किला है जोधपुर का वो दिखेगा आपको वहाँ से रेलवे स्टेशन से। और मेहरानगढ़ फोर्ट पर आप चढ़ेंगे तो वहाँ से आपको पूरा सिटी दिखेगी मेहरानगढ़ फोर्ट से। तो वहाँ जाने के लिए फिर से मान आपको होटल से आपको लेना पड़ेगा एक कैब लेना पड़ेगा या ऑटो लेना पड़ेगा वहाँ पहुँचने के लिए। फिर वहाँ पहुँचने के बाद आप अंदर किले में मतलब जाएंगे, टिकट एंट्री अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका मतलब पैसा कम लगेगा टिकट का और ऐसे ज़्यादा लगेगा ज़्यादा मतलब फॉर मतलब अगर फॉरेन कोई मतलब विदेश से आया है मतलब विदेश से है तो उसका ज़्यादा मतलब चार्ज लगेगा और आप अगर इंडियन नेशनल से हैं तो कम चार्ज लगेगा आपका एज कम्पेयर टू।